So yes, this video is related to BVO course. Course code is 188, 189 and 194. 188 maximum courses आपको नजर आएंगे जो हैं आपके पास. टूरिज्म मैनेजमेंट से रिलेटेड, केटरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड, मॉडर्न ऑफिस से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, बैंकिंग एंड रिटेलिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड. ये है 188 कोर्स. नेक्स्ट इज 189, दैट इज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर बिजनेस एंटरप्रेनरशिप से रिलेटेड, मेडिकल लेबोरेटरी और फूड टेक से रिलेटेड. 194 कोर्स जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड. बीवोक एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं. तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए ही मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन की जाती है चीज़ें कि दीदी कोई बीवोक पे बात नहीं करता. तो मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टूडेंट की वॉइस नोट लेकर आई हूँ जो आपको एक्सप्लेन करेंगे रिलेटेड टू कोर्स कैसा है BHU, आपको किस तरीके से इसमें इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड करता है, हॉस्टल कितने स्टूडेंट्स को मिलता है, ये सारी चीज़ें वीडियो के एंड तक मिल जाएंगी. इससे पहले भी मैंने बीवोक पे वीडियो बनाई थी, RGSC पे वीडियो बनाई थी, क्योंकि राजीव गांधी साउथ कैंपस में आपका बीवोक का कोर्स पिछले 2 साल से चल रहा है. मेन कैंपस में भी रिसेंटली नए नए कोर्स बीवोक का लॉन्च किया गया है, जो कि फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हुआ है. सेकंड ईयर में आप लोग एडमिशन, मतलब एज अ फर्स्ट ईयर आप लोग जा रहे हो, लेकिन वो आपका सेकंड बैच होगा. आप एज अ सेकंड बैच जा रहे हो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस वोकेशनल कोर्स, जो कि प्रोफेशनल कोर्स है. और सबसे पहली बात दीदी, इसके मार्क्स बता दीजिए, कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, कट ऑफ कब तक रिलीज होगी. तो कट ऑफ रिलीज़ मैं नहीं बता सकती कि कब तक होगी, आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्स नहीं है. मैक्सिममली इसमें सीट्स जो है वो 60 to 62 सीट्स होती हैं, ईच स्ट्रीम में बात कर रही हूँ मैं. तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ, किसी बच्चों को पता होता है कि फैशन डिज़ाइनिंग बीवोक प्रोफेशनल कोर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा. क्या पता आप अपने जूनियर्स को बता पाएं कि हाँ, इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अंडर ग्रेजुएशन में BHU ऑफर करता है. तो क्या पता अगली बार से और ज्यादा सीट इंक्रीज कर दी जाए. इस साल से जो सीट्स है वो इंक्रीज की गई थी, पहले और भी कम सीट्स थी, पहले 15 से 30 सीट्स थी, अब 60 सीट्स हो चुकी है. इसीलिए जो कट ऑफ है और ये सारी चीज़ें हैं, FMC और RGSC की तरफ से थोड़ा टाइम लगेगा अनाउंसमेंट होने में. हाँ, अगर आपके मार्क्स 250 से अबव हैं, 400 आउट ऑफ में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, किसी भी एक स्ट्रीम में हो जाएगा. इन तीनों कोड में से आपने अगर अपना प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म सही सही से फिलअप किया होगा, तो आप लोगों को बस वेट करना होगा. अगर आपके मार्क्स 240, 250, 270 ऐसे मार्क्स होंगे, तो चांसेस हो सकता है कि आपको बीवोक का कोर्स ऑफर किया जाए, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है. और अगर RGSC में एडमिशन होता है, तो RGSC में आपका पेड पे एडमिशन होता है और आपको हॉस्टल की सुविधाएं मिल जाती हैं. आप इस वीडियो के एंड तक पूरी स्टूडेंट की पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्पीकर मतलब ईयरफोन लगा के वॉल्यूम को थोड़ा तेज करके ऊंचा करके सुनिएगा, क्योंकि वॉइस नोट है और वॉइस नोट आप लोगों के लिए ही बनाई गई है. बाकी मुझे नहीं लगता आप लोगों के कोई डाउट्स हैं. धीरे धीरे करके एडमिशन प्रोसीजर प्रोसीड किया जाएगा, कोर्स एलोकेशन का मैसेज आएगा. अगर आप BA में एडमिशन ले लोगे या फिर BCom में एडमिशन ले लोगे, फिर भी अगर आपके पास बीवोक का ऑप्शन आता है, तो फीस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी. बीवोक का एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा लेट जाएगा, कट ऑफ जो होगी वो हाई नहीं होगी, एवरेज कट ऑफ होगी, क्योंकि इसमें सीट्स काफ़ी कम है. और आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से एडमिशन प्रोसीजर होता है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंटर्नशिप वगैरह प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छे से होती है. तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंटली वेट करिए. हाँ, मैं आप लोगों के कॉमेंट सेक्शन को देखती रहती हूँ और रिप्लाई नहीं करती हूँ, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. इवन आप मेरे से टेलीग्राम पे ज्वाइन करके बीवोक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. सीट्स और फीस से रिलेटेड कुछ जानना है, तो आप हमारी वो पुरानी वीडियो को जरूर देखिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है. ये सारे कोर्सेज जो कि आप लोगों को पता होंगे, इससे रिलेटेड भी चीज़ अगर आपको जो भी जानना है या फ्यूचर में अपने जूनियर्स को बताना चाहते हो, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और BHU इन्फोपीडिया पर्सनली मेरे से क्वेश्चन पूछिए वॉइस नोट के थ्रू. कोर्स एलोकेशन जैसे ही होगा आप मेरे से वो भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं. और फीस वगैरह आप लोग प्लीज़ अपने पेरेंट्स को जरूर बताइएगा इस कोर्स के रिगार्डिंग. अब वो वॉइस नोट आप सुन लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. 240, 250, 260, 270 ऐसे मार्क्स हैं, तो आपको चांसेस बन सकते हैं कि बीवोक में आपके एडमिशन हो जाएगा. होपफुली स्टे सेफ स्टे हेल्दी. साइनिंग ऑफ. जो कि बैचलर ऑफ वोकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. इसमें 62 कोर्स FMC में है और इसमें ये बहुत ही डिमांडेड कोर्स है, इसमें कंपटीशन आपकी हाई होगी. दूसरा जो कि कोर्स आपका 188 के अंदर आपका आता है, जिसमें से हाईलाइटेड कोर्स में एक टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है. इसकी फीस थोड़ी कम है और ये भी डिमांड में कोर्स है. इसका 62 सीट आपका मेन कैंपस में है, 62 आपका RGSC में है, बट दोनों के सिलेबस में भी थोड़ा डिफरेंसेस है, क्योंकि मेन कैंपस में टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है और साउथ कैंपस में हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है. तो मेन फोकस दोनों का अलग अलग है, सिमिलर है बट थोड़ा अलग है. एक बाकी आपका 189 से आपका फेमस कोर्स में एक वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, वो डिमांड में रहता है. बाकी 188 में आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वो नया कोर्स आया है, होटल मैनेजमेंट नया कोर्स आया है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सही है, वो सब कोर्स का भी डिमांड ज़्यादा है. लेकिन हाँ, ये जितना हमने बताया है वो सब कोर्स का डिमांड है अभी, जिसमें कंपटीशन आपको हाई मिल सकता है. और जो भी कह रहे हैं कि RGSC और FMC का, तो FMC में कोर्स ख़राब नहीं है, पिछले बार ये कोर्स इंप्लीमेंट हुआ है तो कुछ टाइम तो लगेंगी, क्योंकि हम जैसे कि आप लोग सेकंड बैच होंगे तो आप लोग को ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ेगा. जैसे कि
दोनों कैंपस जो नॉर्थ बीएचयू का मेन कैंपस और साउथ कैंपस जो आरजीएससी है, दोनों का एक अलग ही मोटिव है। जैसे कि आरजीएससी में ये नहीं कि आरजीएससी में कोर्स खराब है, लेकिन हाँ एफएमसी वालों को एक अलग बेनिफिट ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एफएमसी में आप एडमिशन ले लेंगे तो आरजीएससी में मानते हैं कि कोर्स कुछ पिछले टाइम से चल रही है, बट एफएमसी में ये कोर्स ख़राब नहीं है। मैनेजमेंट धीरे धीरे इसकी बेटर होते जा रही है और अब ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि अभी अभी तक आरजीएससी वालों को भेजा गया था कुछ कोर्सेज में, उन लोगों को भी ट्रिप वगैरह पर भेजा गया था जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म वालों को, लेकिन ये केटरिंग टेक्नोलॉजी वालों को फर्स्ट सेमेस्टर में ही 5-स्टार होटल लखनऊ में भेजा गया है। बीएचयू अपने फंड खुद फंड किए हैं उन लोग को, और 5-स्टार होटल में उन लोग का इंटर्नशिप हुआ है, और हर कोर्स में किसी न किसी फील्ड में भेजा जा रहा है फिर या बुलाया जा रहा है कहीं से। तो हर जगह का एक अपना अलग मोटिव है, एक अपना वो फैसिलिटी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप चूज़ करिए कि आपको आरजीएससी प्रेफरेंस में ठीक लग रहा है एफएमसी। हाँ एफएमसी में नया आया है ये कोर्स, आरजीएससी में ये कोर्स पुराना चलता है, तो टाइम लगेगी। रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल पिछले बार बहुत कम बच्चों को मिला है। ओवरऑल पूरे आरजीएससी में अगर आप लेते हैं तो 100% हॉस्टल आपको मिलेगी, बट अगर एफएमसी में लेते हैं तो हॉस्टल आपको रैंक वाइज मिलेगी। जैसे कि आपकी जितनी अच्छी रैंक रहेगी उस हिसाब से बच्चों को मिलेगी, और ज़्यादा बच्चों को हॉस्टल पिछले बार नहीं मिली है। इस बार का कुछ कह नहीं सकते हैं, बट हॉस्टल मिलेंगी, लेकिन रैंक अगर जैसा आपका रैंक रहेगा उस बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉट होगा।